हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन गुरुकुल ई लर्निंग। तो आज आम प्रिजिम और सिलिंडर सम्बन्धियों जो थी 9 नंबर रु 26 नंबर पद के। तो भिडटी जी प्रथम थर पर देखुं कोई भी चैनल को सब्सक्राइब करूँ और साइड में थिया बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु, जहाद्वारा कि मोर प्रति अपलोड होगा मात्र भिड आपन पाक नोटिफिकेशन जीव। तो ठीक अच्छे, आशा करते समस्त भल थे। तो आरंभ करवा 9 नंबर। देखिए गोटे सरल प्रिजिम्र भूमि 6√2 हेले 6√2 सेमी दैर्घ्य विशिष्ट समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज। तेनालीराम सब पिला मन रखे जो कौन देखिए कौ त्रिभुज देता भूमिटा समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज देखिए यार उच्चता देखिए 8 सेमी। तेनालीतन केते वर्ग सेमी हम। अच्छा सरल प्रिजिम्र आयतन कौन ना आधार क्षेत्रफल इंटु उच्चता, आधार क्षेत्रफल इंटु उच्चता। तेनालीटा आम प्रिजिम ठीक है। तो यही जो त्रिभुजा देखिए से गोटे समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज। तेनालीराम समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल है 1/4 इंटु कर्णर स्क्वायर, तम 6√2 स्क्वायर। तेन 1/4 इंटु 6√2 इंटु 6√2 ठीक अच्छे। तेणु यहाँ हो गला 1/4 √2 बनने 2 6 6 बनने 36 तेरे काटदे 4 9 36 के 18 यहाँ होगा कौन जे आधार रो क्षेत्रफल आमर उच्चता दे दी। तेणु आमर आयतन है प्रिजिम रो आयतन है कौन 18 × 8 ठीक अच्छे। 18 × 8 कौन ना आधार रो क्षेत्रफल, आधार रो क्षेत्रफल 8 कौन ना उच्चता, कौन उच्चता। तो प्रिजिम आयतन आधार क्षेत्रफल गुण उच्चता, तो 18 × 8 गुण दे तेणु 80 + 64 तेना 144 के 144 जोटा कि ऑप्शन बी ठीक अच्छे। तेनाली मुझे भांगिक मल्टीप्लाई कली तो 144 स्क्वायर मीटर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए देखो। अच्छा ये देखो 10 नंबर और 12 नंबर दुईटा ये सेम टाइप्र क्वेश्चन, तेणु मुझे 12 नंबर को नहीं 10 नंबर में करदे। गोटे त्रिभुजाकार भूमि विशिष्ट सरल प्रिजिम्र भूमिर बाहू मान दैर्घ्य 5 सेमी 12 सेमी 13 सेमी, ता माने प्रिजिम दे दी तार भूमि दे दी कौन 5 सेमी 12 5 12 आ 13 सब दे दी बाहू दे दी। तेना गोटे विषमबाहु त्रिभुज दे दी, उच्चता दे दी 10, उच्चता दे दी 10। पचार समग्र पृष्ठतल क्षेत्रफल, अच्छा समग्र पृष्ठतल क्षेत्रफल बाहर करेंगे कौन ना आमको आगे पार्श्व पृष्ठतल क्षेत्रफल बाहर करा पड़ो। पार्श्व पृष्ठतल क्षेत्रफल कौन ना आधार परिसीमा इंटु उच्चता। तेणु आधार जो त्रिभुज अच्छी तार परिसीमा कौन, आधार परिसीमा मैंने सब बाहुरा मिसेदे जेहतु विषमभाव अच्छी तेना मिसेदेला 30 × 10 = 300 ठीक अच्छे। तेणु बर्तमान ये जो त्रिभुजर क्षेत्रफल बाहर करा जोटा कि आमर आधार क्षेत्रफल ठीक अच्छे, आधार क्षेत्रफल। तेना कह आगे अर्ध परिसीमा बाहर करवा, तेना अर्ध परिसीमाटा कौन है 12 × 13 × 5 विभक्त 2 30 / 2 जोटा कि 5 यहाँ है आधार परिचय। तो क्षेत्रफल क्यों फर्मुला बाहर ना हेरन्स फर्मुल, हेरन्स फर्मुल बाहर कौन ना एस इंटु एस माइनस बी तेना एस एटी के 15 एस के 15 तेना 15 × 12 × 15 − 13 × 15 − 5 ठीक अच्छे। तेना 15टा है 3 × 5 यहाँ है 3 15 × 13 गले 2 15 × 5 गले हे 10 जोटा कि भांगीदे 2 × 5 तेनाली वर्गमूल के जेहतु दी दीटा अच्छी तेना वर्गमूल में गोटे गोटे जीव 3 × 2 × 5 तेना 30 तेना क्षेत्रफल बाहर गला कौन ना आधार क्षेत्रफल बाहर गला 30। तेना समग्र पृष्ठतल क्षेत्रफल है पार्श्व पृष्ठतल क्षेत्रफल जोटा कि 300 × 2 आधार क्षेत्रफल ये 30 तेना 360 ठीक अच्छे। तेना ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लगे गोटे प्रिजिम्र आधार एक समबाहु त्रिभुज, अलरेडी दे दीजिए गोटे समबाहु त्रिभुज जार प्रत्येक समान बाहु 4 मीटर तेणु 4 मीटर दे दीजिए, उच्चता 10 मीटर दे पार्श्व पृष्ठतल क्षेत्रफल के। अच्छा प्रिजिम्र पार्श्व पृष्ठतल क्षेत्रफल कौन आधार परिसीमा गुण उच्चता, जेहेतु तार बाहू 4 सेमी दे समबाहु त्रिभुज तेणु परिसीमा कौन हम 4 × 3 = 12 तेना यहाँ है तार परिसीमा।
उच्चता के 10 तेना 12 गुणन 10 समान के हम ना 120 वर्ग मीटर। ठीक अच्छे यहाँ है तर ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए गोटे त्रिभुजाकार भूमि विशिष्ट प्रिजिम आधार प्रत्येक बाहु 6 सेमी ताने प्रत्येक बाहु 6 सेमी मान गोटे समबाहु त्रिभुज उच्चता भी देखिए कि पचार घनफल के कौन ये पचार घनफल के घनफल है आमर आधार क्षेत्रफल क्षेत्रफल इंटु उच्चता तेणु तो आधार आधारटा कौन गोटे समबाहु त्रिभुज तेनाली क्षेत्रफल के रूट 3/4 ए है ए स्क्वायर मीन्स प्रत्येक बाहर स्क्वायर तेनाली 6 स्क्वायर प्लस उच्चता चारि गुणन उच्चता के नाम देखिए 10 ताने रुट 3/4 6 रो स्क्वायर कले 36 इंटु 10 चार कर 9 तेना 90√3 कहते 90√3 तेणु ऑप्शन डी बुझीपाल बेटा मैंने आशा कर तो नेक्स्ट क्वेश्चन गोटे पृथ्वी भूमि परिसीमा देदी परिसीमा देदी उच्चता देदी तेणु पार्श्व पृष्ठतल क्षेत्रफल पार्श्व पृष्ठतल क्षेत्रफल सूत्र है परिसीमा भूमि परिसीमा गुणन उच्चता तेणु सीधा 24 आम 10 गुणदे होगा 240 स्क्वायर मीटर। ठीक अच्छे तेना सूत्र पूरा ऑप्शन बी। एक सरल प्रिजिम आधार एक समबाहु त्रिभुज तेणु आधार देदी समबाहु त्रिभुज यार उच्चता देदी आमको कौन जे 5 मीटर उच्चता देदी 5 मीटर आधार देदी समबाहु त्रिभुज पार्श्व पृष्ठतल क्षेत्रफल 60 हेले आधार प्रत्येक बाहुर दैर्घ्य अच्छा पार्श्व पृष्ठतल क्षेत्रफल प्रिजिम केते ना आधार परिसीमा आधार परिसीमा गुणन उच्चता उच्चता है 5 तेना बाहर करदे 60/5 के बाहर आधार परिसीमा बाहर तेना पी लिखिदे आधार परिसीमा तेणु जेहेतु समबाहु त्रिभुज तेना प्रत्येक बाहु ए जदि नवा समबाहु त्रिभुज प्रत्येक बाहु जदि ए नवा तेना परिसीमा केते हबो ना 3 हबो केते हबो 3 तेना एटा कटिगले 12 हबो। ठीक अच्छे तेना 12/3 इक्वल टू ए तेना प्रत्येक बाहु कटिगले हबो 4 तेना ए होगा 4 तेणु प्रत्येक समान बाहुर दैर्घ्य केते हला ना 4 मीटर तेना ऑप्शन ए बुझीगला पे मैंने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गोटे सरल प्रिजिम भूमि एक समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज तेना मन रखते समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज देती कर्णर दैर्घ्य देती उच्चता दे पार्श्व पृष्ठतल क्षेत्रफल के अच्छा पार्श्व पृष्ठतल क्षेत्रफल कौन समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज अलरेडी देती आमको तेणु कर्ण दे 5√2। ठीक अच्छे पार्श्व तेणु कर्ण जब 5√2 हो तेना प्रत्येक बाहु के ये दिन बाहु सामान समकोणी समद्विबाहु तेना एटा 5 एटा 5 हम। ठीक अच्छे तेणु बाहु पाईगले तेना परिसीमा के त्रिभुजर परिसीमा परिसीमाटा है 5 + 5 + 5√2 तेणु 10 + 5√2 यहाँ है तार परिसीमा तेना आधार परिसीमा होगा उच्चता आमको देखो उच्चता देना आधार परिसीमा 10 + 5√2 इंटु 10 तेनालीरु आम देख जब 5 कमन नहीं आसे तेना 2 + 2√2 इंटु 10 तेना 10 ने 5 मल्टीप्लाई करदे के 50 2 + 2√2 तेना ऑप्शन सी बुझीपाल पे मैंने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गोटे सम उच्चता विशिष्ट सिलिंडर दुईट सम उच्चता तेना उच्चता सामान तेना H1 H2 दीरंग सामान व्यासाधर अनुपात 2:3 है तेना R1/R2 है 2/3 तेणु आयतन आयतन कौन ना π R² × H1 π R² × H2 π कैनसल H1 H2 कैनसल जेहेतु सामान अच्छी तेना R1/R2 स्क्वायर हो आयतन तेना 2/3 स्क्वायर जोटा कि 4/9 मैंने 4:9 तेना ऑप्शन सी बुझीगे पे मैंने जे न बुझ पड़ता मतलब कमेंट सेक्शन में जनइब आ टेलीग्राम चैनल जॉइन कर मो लिंक दे दीजिए डिस्क्रिप्शन में दे दी थी जहाँ डाउट थी से मतलब पचार गोटे सिलिंडर उच्चता देती आ भूमि व्यासाध दे दीजिए उच्चता देती व्यासाध दे पार्श्व पृष्ठतल क्षेत्रफल के अच्छा उच्चता दे दीजिए व्यासाध भी दे दीजिए पार्श्व पृष्ठतल क्षेत्रफल के 2πR × H सिलिंडर 2 × π है 2/7 आर है के 8 एच है 14 तेना काटिदेले के 2 बर्तन 22टा को भांगी दिव 2 × 11 ये 2 × 8 × 2 बर्तन आगे 2 × 4 × 8 = 64 तेना 11 × 64 के 6 × 4 बर्तन गुणीदे 704 के 704 तेना ऑप्शन बी बुझीपाल पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर
गोटे सिलिंडर उच्चता दी वक्र पृष्ठतल क्षेत्रफल दे दी भूमि व्यास के पचार तेरे आम भूमि व्यास के पचार वक्र पृष्ठतल क्षेत्रफल दे दी के ना टू पाए आर इंटु एच है 306 आमको दे दी जेहेतु आई उच्चता दे दी बार तेणु आम पचार टू इंटु 22 बै 7 इंटु आर इंटु एच के ना 12 दे दी तो 306 ठीक अच्छे तेना बर्तमान देख आम बर्तमान आर रहा एपटे आ सब सेपट नहीं जावा 306 जेहेतु 7 ये हरा एपटे गुणा जीव जेहेतु दुईटा एपटे 2 22 आ 12 गुणा अच्छी तेनाली सब हर जाए 2 आ 22 आ 12 हर सब रहा बर्तमान देख 11 जी आम ये दुटा को काटिद तेनाली 11 दुनिया 22 यहाँ हम यहाँ 11 3 33 11 आ बढ़ला 6 36 है ठीक अच्छे तेना 12 यहाँ काटिदे आम के हम 4 के सरी 3 हम के 12 3 36 तेनालीर रहा 3 गुण 7 बै 2 दुने 4 तेनाली 21 विभक्त 4 यहाँ बाहर आमर कौन व्यासद बाहर कि पचार व्यास तेना 2 आर तेनालीपटे 2 गुण देते कैसे 2 इंटु 21 बै 4 कैनसल 2 जोटा कि 10.5 कैनसल करदे 10.5 तेनालीपन सी बुझे पे मैंने तो नेक्स्ट क्वेश्चन गोटे सिलिंडर वक्र पृष्ठतल क्षेत्रफल दे 1584 अच्छा तेना भूमि व्यासार्ध दे 28 उच्चता के वक्र पृष्ठतल क्षेत्रफल कौन ना 2 पाए आर इंटु एच जोटा कि देखो 1584 आम पचार कौन उच्चता पचार उच्चता है 1584 बै 2 पाए तेना 1584 बै 2 इंटु 22 बै 7 ठीक अच्छे तो बर्तमान देख यहाँ जी आम कैनसल करवा 1584 बै 2 इंटु 22 इंटु 7 तेना 11 दुने 22 ये 11 के 11 1144 1144 कैनसल 144 है ठीक अच्छे तेना बर्तमान दुई काटिले के हम 2 7 14 2 3 4 तेना 2 पुणी काटिदेले 36 तेना 36 गुणन 7 ठीक अच्छे तो ये आम देखा 2 पाए अच्छा अच्छा 2 पाए अच्छा आर आम व्यासार्ध दे 28 व्यासार्ध दे 28 आम जोटा कि लिखि ना तेणु आर आम ये गुणा पड़ब 28 28 तेणु 7 कटिज 7 6 28 4 36 कटिगले है 9 तेणु ऑप्शन ए पे बुझिपाल ये आरटा मुझे छाड़ दे 28 लिखाला कैनसल हो देखिए गोटे सिलिंडर उच्चता यार भूमि व्यासार्धर 4 गुण तेने एच दे भूमि व्यासार्धर 4 गुण तेना 4 आर एचटा दे 4 आर आयतन दे दी के 539 भूमि व्यास के भूमि व्यास के पाए आर स्क्वायर इंटु एच है यहाँ आम कौन 539 तेना पचार कौन एचटा दे दी तेना पाएटा है 22/7 इंटु आर स्क्वायर एचटा है 4 आर बै 539 दैट इम्प्लाइज आर क्यू होगा 539 गुणन 7 22 गुणन 4 तो जहाँ गुणा होता है हरा गला तेना यहाँ काटिदे के 11 दुने 22 1144 1149 तेणु बर्तमान आर क्यू होगा 7 × 7 × 7 कारण 49 टाँग भांगीदे 7 × 7 ये अच्छे गोटे 7 2 × 4 भांगीदे 2 × 2 जेहेतु आर आम पचार बाहर करवा तेणु एथर तीन तीन टाइम थी गोटे गोटे ना तेना 7/2 के 7/2 यहाँ आम व्यासार्ध बाहर कितना पचार कौन व्यास पचारको तेना 2 आर बाहर करवा तेना 2 × 7/2 कैनसल के 7 तेना ऑप्शन ए बुझिपाल पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन गोटे सिलिंडर आकृतिर खोला कुंडर भितर पाखर व्यासार्ध दे उच्चता देर अति बेस के घन मीटर पा रहा अच्छा ठीक है पा रही मैंने कौन तर आयतन बाहर करिया कौन आयतन तेना पाए आर स्क्वायर इंटु एच सिलिंडर आयतन पाए है 22/7 आर स्क्वायर मीन 3.5 × 3.5 कारण 3.5 स्क्वायर मुझे दुई थर लिखीदे गुणदे एच के 12 तेनालीटा काटिदेले के 0.5 हो कैसे 0.5 तेना 12 0.5 गुणदेले के 6 हो 6 हो तेना 22 को 2 गुण 11 करदेमी कौन 6 × 3.5
तो 3.5 रे आम जब 2 मल्टीप्लाई करियो तो 7 हो के सेवेन तेणु से जो काटिदे सेवेन लिखदे डायरेक्ट तेना 11 इंटू 642 तेणु यहाँ गुणीदे 462 के 462 तेना ऑप्शन सी तेना कैलकुलेशन कर पे मैंने देख तो गोटे सिलिंडर घनफल देने पाए आर स्क्वायर एच दे 950। अच्छा वक्रतल क्षेत्रफल तेने 2πRH दे 50 दैट इम्प्लाइज पाए आर एच होगा 50/2 जोटा कि 25 कतला 50/2 जोटा कि 25 होगा बर्तमान पाए आर स्क्वायर एचटा आम भांगी पार ना ना आर इंटू पाए आर एच 950 कारण से पचास आम व्यासार्ध के आर्टा होगा आर गुण पाए आर एचटा के बाहर 25 तेना 95 तेना आर्टा बाहर के 950/25 तेना 5 आम कर 5×5=25 5×5=45 शुण तेना ये काटिदे आम 5×3=15 5×8=40 तेना के 38 बाहर कत बाहर व्यासार्ध बाहर 38 तेना सी ऑप्शन सी बुझेगा पे मैंने तेना ऑप्शन सी यहपर भाव कर। नेक्स्ट क्वेश्चन गोटे सिलिंडर भूमि व्यास दे दीजिए 6 सेमी उच्चता दे दीजिए 14 सेमी। अच्छा व्यास दे दीजिए तमें 2R जोटा कि डी दे दीजिए आमको 6 सेमी उच्चता एच दे 14 सेमी वक्रपृष्ठ तर कत 2πR इंटु एच तेना 2R बदलने मुझे डी लिखिदेवि तेना पाए इंटु डी इंटु एच लिखी हम पाए है 22 विभक्त 7 डी है आम 6 एच है 14 तेना काटिद 7 दुने अच्छा तेना 22 2 गुणन 11 कर दियो 7 दुने 12 हो 11 गुणन 12 दुने 24 तेना गुणी देने 264 कत 264 ठीक अच्छे बाहरी गला क्षेत्रफल तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 मीटर गभीरता विशिष्ट सिलिंडर आकृतर कू खोला कू भर क्षेत्रफल ये तेना कूरु केते घन पा खोल अच्छा तेणु आयतन ही बाहर तेना आयतन ही बाहर पायर स्क्वायर इंटु एच तेना पायर स्क्वायर मानने पायर स्क्वायर दे 15 एच दे 10 कारण क्षेत्रफल दे दीजिए ना पायर स्क्वायरटा दे 15 10 तेना 150 ठीक अच्छे 150 तेना ऑप्शन डी। आशा कर बुझीपे भिडियोटी तो जो मैंने भिडियो पसंद करते हैं लाइक करूँ चैनल को शेयर करूँ आ प्रतिदिन ये भिडियो अपलोड कर चैनल को निश्चित भाव शेयर करूँ। थैंक यू।